हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11:11 में। आज का वीडियो है डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी कैसी है इस वक्त हम देखेंगे। पिछला वीडियो पूरा मैस्कुलाइन पे था, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये मैं सारे डीएफ की बात करूँगी हर एक टाइप की डीएफ की। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो ले लेना, वरना इससे आसानी से लेट गो कर देना। तो अपना दिल हमेशा खुला रखना और दिमाग भी, जब भी आप किसी की भी एनर्जी सुनो या फिर मेरी हो। तो चलिए देखिए, इस वक्त बहुत सारे डीएफ को इमोशनली हार्ट फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनल लॉस बिल्कुल इस वक्त हुआ है। इस वक्त बहुत सारी फेमिनाइन अपने डीएम के बारे में सोच रही है, और साथ में उन दोनों के पास्ट में भी, मतलब आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो भी वो सोचकर बहुत ज़्यादा उसके इमोशन इस वक्त हर्ट हो रहे हैं। भले ही आपके लाइफ में इस टाइम सब कुछ हो, लेकिन बहुत सी डीएफ करंटली बहुत ज़्यादा लॉस सारो कोई ट्रॉमा है जो इस वक्त उनके लाइफ में सरफेस हो रहा है, जो उनके पास्ट लाइफ का है, तो इसके बारे में भी वो सोच रही है और वह थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी हो रही है। तो कोई ना कोई एक बात है जिसके वजह से डीएफ करंटली रिग्रेट को और गिल्ट को भी फील कर रही है। अब ये क्या है तो वो डीएफ ही जाने। मुझे ये एनर्जी स्पेशली सेपरेशन वाली डीएफ की लग रही है। तो डीएफ, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान दें जो करंटली आपके पास है, ना कि पास के बारे में आप सोचकर दुखी हो जाए या नेगेटिव हो जाए या अपनी जर्नी में आप स्टक फील करो खुद को। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि भले ही आप कितना ही काम कर लो, आप कितना ही अच्छा इनवर्क करो, लेकिन अगर आप नेगेटिव रहते हो, आप पॉजिटिविटी को नहीं समझते या फिर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो, तो आपकी किसी भी प्रकार की हीलिंग आपके काम में नहीं आएंगी। तो इसलिए आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो उसमें आपके लिए क्या अच्छा है ये आपको देखने की ज़रूरत है। और पास्ट को तो हमें हमेशा लेट गो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लॉक होता है हमारी जर्नी में, जो हमें यूनियन तक जाने के लिए रोकता है, हमेशा रोकता है। तो बेशक इस वक्त बहुत सी डीएफ टूटा हुआ फील कर रही है, कोई बचपन का ट्रॉमा बहुत सी डीएफ के लाइफ में सरफेस भी हो रहा है, ठीक है। डीएफ, आपको लग रहा है कि आपने डीएम को खो दिया है, आपको ऐसा भी एक फीलिंग आ रही है कि मैंने उसे खो दिया है, शायद अब मेरी ही गलती थी, मैंने ही ऐसा किया। तो खुद के लिए भी वो गिल्ट फील कर रही है, खुद को भी वो ब्लेम कर रही है, ठीक है। और आपको सब पता है जर्नी में क्या है, कैसा है, क्या लेट गो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप की फीलिंग को दबा रही है। मतलब आप अंदर से टूटी हुई है, लेकिन आप बाहर ऐसा दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। इस टाइप की डीएफ को मैं एक सलाह दूंगी कि आप अपना इनर चाइल्ड हील कर लीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम, मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगी। इससे आपके हार्ट चक्रा भी खुलने में मदद हो जाएगा, और हार्ट चक्रा हमारा सेंटर होता है, तो उस पर अगर हमारा ज़्यादा काम रहता है तो आपकी अपर चक्रा और लोअर चक्रा ये भी बैलेंस में आ जाते हैं। तो मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। देखिए डीएफ, आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में, आपको क्या चाहिए, आपके सोल को क्या चाहिए, ये सब आपके हाथ में होता है और आपको पता भी होता है। तो आप बिल्कुल निराश ना होइए, क्योंकि जर्नी एक दिन में पूरी नहीं होती है। भले ही इसमें पेन होता हो, लेकिन जर्नी में आपको सक्सेस हमेशा मिलती है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, और जो भी डिवाइन आपको संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, उसके प्रति आपको अवेयर रहना है। अपने काम, आप अपने ऊपर काम करके आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, ठीक है। तो जो भी न्यू अवेकनिंग वाली डीएफ है, अब उन्होंने अपना रास्ता चूज़ कर लिया है और वो बिल्कुल अपनी सेल्फ हीलिंग डिवाइन पाथ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि चेस करने में कोई मज़ा नहीं है। अब वो डिवाइन को चेस कर रही है, ना कि डीएम को। उन्होंने बिल्कुल डिवाइन पाथ चुन लिया है और वो अपने सोल मिशन के, अपने डिवाइन मिशन पर चल पड़ी है। बहुत सी डीएफ
को अचानक बहुत ज़्यादा एंगर, चिड़चिड़ापन करंटली हो रहा होगा, बहुत सारे कार्मिक उनके रिलीज़ हो रहे होंगे बेवजह, उनके उनको अपने ही मैस्कुलाइन पर भी गुस्सा आ रहा होगा। करंटली अगर आप कांटेक्ट में हैं तो शायद आप दोनों में भी अनबन होने के बहुत चांस है या होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एंगर का जो इशू है वो सरफेस हो रहा है बहुत सारे डीएफ का, तो बहुत सारे डीएफ के घर पर भी माहौल थोड़ा तनाव वाला हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। ये एनर्जी मुझे जो कांटेक्ट में है, जो मतलब बातचीत हो रही है उनकी, थोड़ी बहुत उनकी एनर्जी मुझे लग रही है, या तो आपकी अच्छे से बात हो रही है या तो फिर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है अपने ही डीएम पर या फिर डीएम को आप पर आ रहा होगा, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगी डीएफ कि आपको अपने एंगर पर काबू करना है, नियंत्रण करना है, अपने लोअर चक्रा पे अच्छे से काम करना है, ठीक है, और आपको हर रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना है, इससे आपके एंगर के इशू भी हील होने में हेल्प होती है और ये जल्दी भी हो जाता है। बहुत सी डीएम बहुत मेहनत कर रही है अपने आप को हील करने में, वो पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं डिवाइन पर, उन्हें बहुत जल्द आने वाला समय में उनका गिफ्ट मिलने वाला है, अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पूरा फोकस खुद पर है, अपनी सेल्फ लव पर है। ये जो डीएफ है ये शायद अपने जर्नी के बीचों बीच आ चुके हैं, अपने खुद को हील करते करते उन्होंने बहुत सारे इशू इनके हील कर चुके हैं और अब उन्हें गिफ्ट मिलने का उनका समय आ चुका है। मिडल ऑफ द जर्नी वाली जो डीएफ है उनके लिए खास एनर्जी है जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत पॉजिटिव है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो डीएफ, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आप जो भी हीलिंग कर रहे हो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बेनिफिट दे रही है और आने वाला समय भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, और आपको डीएम की तरफ से भी कुछ ना कुछ मैसेज तो मिलने ही वाला है आने वाले समय में। बहुत सी डीएफ को मिलने वाली है गुड न्यूज़, रीयूनियन, डीएम का मिलना, मैसेज, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन दोनों में डीएम के तरफ से आपको एक स्पेशल मतलब आपको देखने को मिलेगा कि आप दोनों के बीच में आपकी कनेक्शन में एक खुशी की लहर, एक नई लहर, न्यू बिगिनिंग की लहर आपको देखने को मिलेंगी। आप और आपके डीएम होने वाले हैं यूनाइट बहुत जल्द। डीएफ आपको आपके डीएम में आपके लिए एक जुनून दिखेगा आने वाले समय में, बहुत जल्द होने वाला है। आप दोनों डे या नाइट में भी साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत रोमांटिक वाला, इसके भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये एनर्जी स्पेशली जो बहुत बैलेंस्ड डीएफ है जो कि पूरी तरह से अपने डिवाइन पर्पस पर चल रही है, उन्होंने इस जर्नी को लगभग पूरा कर लिया है, बहुत बहुत अच्छा समय इस वाले डीएफ के लिए आने वाला है। आप अपने मास्कुलाइन को पूरी तरह से एक अलग रूप में देखोगे, बस आपको इस वक्त ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मुझे वो नहीं चाहिए, अब मुझे उसके लिए कुछ फील नहीं होता, अब मैं उसका क्या करूं, अगर वो आए तो मैं उससे कैसे बात करूं। तो बिल्कुल अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने सोल की आवाज़ को सुने, क्योंकि इस वक्त के लिए आपने बहुत अच्छा अपने ऊपर काम किया था और वो वक्त आपके लाइफ में आने वाला है। देखिए इस वक्त जो डार्क नाइट वाले डीएफ है उन्हें बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ है, इमोशनल ब्रेकडाउन उनका हुआ है, उन्हें घबरा हुआ लग रहा है, अकेला लग रहा है, वो सोच रही कि मैं अब जर्नी को छोड़ दूँ, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि डार्क नाइट सोल जब चलती है बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, शायद उसे शब्दों में बता भी ना पाऊँ, ठीक है ना। तो उनको लग रहा है कि जर्नी को छोड़ दूँ, बहुत ज़्यादा वो थका हुआ महसूस कर रही है। तो डीएफ आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, आप हारे नहीं, अपने जर्नी को छोड़ने की बात ना करें, क्योंकि ये डार्क नाइट का सोल सबने फील किया है। हो सकता है कि आप अपने डीएम की भी एनर्जी पिक कर रही हो, लेकिन मुझे डीएफ के लिए ही ये एनर्जी आ रही थी, तो
ये टाइम सबका निकल चुका है और सबका क्लियर हो जाता है तो आपका भी हो जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जर्नी हमारी पेशेंस की ही है, ठीक है। अगर आप बहुत सारी DF इस वक्त बैलेंस करने की भी कोशिश कर रही है अपनी 3D लाइफ में और 5D में बैलेंस करने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, हो सकता है ये मैरिड DF भी हो सकती है, जो अपने DM और अपने हस्बैंड के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो बहुत सी DF अब सरेंडर के मोड में भी है, वो सोच रही है कि अब बहुत हो चुका है, मैंने बहुत काम कर लिया है, अब जो होगा वो मुझे मंजूर है, अब डिवाइन जो भी करेंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। ये भी फीलिंग, करंट फीलिंग एक फेमिनाइन की है, पता नहीं आप किस फेमिनाइन की, लेकिन ये भी मैसेज मुझे आ रहा है। देखिए, कलेक्टिव में फेमिनाइन की जो 70% DF है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब है, अपने DF को फील कर रही है, सॉरी अपने DM को फील कर रही है। वो उनके इंट्यूशन उन्हें बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहे हैं और वो बहुत जल्द यूनाइट होने वाली है अपने मास्कुलाइन के साथ, 5D में या फिर 3D में, लेकिन यूनियन तो होने वाली ही है। और बाकी जो 30% हमारी DF है वो भी कोई रास्ते में है, कोई बीच में है, लेकिन काम तो चल रहा है, ठीक है। इस वक्त बहुत सारी यूनियन की भी एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है, कॉल, मिस कॉल, टेक्स्ट मैसेज बहुत सारे लोगों को आ रहा है, ठीक है। 3D 5D यूनियन, बातचीत होना, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझना, ये भी एनर्जी है। बहुत अच्छा दोनों में बैलेंस होने वाला है, ये भी एनर्जी इस टाइम है। जो DF बहुत ज़्यादा हाई वाइब में है उन्हें इस वक्त 369 और 639 या फिर 693 इस प्रकार के नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले दिनों में अगर DF आपने कुछ भगवान से मांगा होगा या फिर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, तो अगर आपको 333 दिख रहा है तो हो सकता है आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है, ये इसका एक साइन है। बहुत सारी फेमिनाइन को उनके स्पिरिट एनिमल की ब्लेसिंग भी उन्हें मिल रही है ड्रीम के थ्रू। सबके अलग अलग स्पिरिट एनिमल होते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन अगर आपको मिल रही है तो आपका एक लेवल अप होने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपको DF आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन या डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो समझ जाना कि ये आपके सैक्रल चक्रा की क्लींजिंग हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे DF को रूट चक्रा में भी टिंगलिंग हो रही है, रूट चक्रा बेस उनका मजबूत हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अपनी जर्नी में, ठीक है ना। तो ये एनर्जी उनके लिए जिनके भी रूट चक्रा में टिंगलिंग हो रही है। मेडिटेशन करते वक्त आपको DM अगर बार बार DM की तरफ ध्यान खींच रहा है आपका, आप ध्यान नहीं कर रहे हो फिर भी DM आपको दिख रहे हैं, या आपका ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होना चाहती है। अगर आप याद नहीं कर रहे हो DM को, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग में चल रहा है एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। ये आपकी यूनियन को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि मास्कुलाइन आपको मिस कर रहे हैं। साथ ही में आपको अगर रेनबो, हार्ट, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई और कपल अगर दिख रहे हैं तो ये आपके लिए रीयूनियन के साइन है। अगर रीयूनियन नहीं हो रहा साइन दिखने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपके डिवाइन पार्टनर है और आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और आप उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके सोल पार्टनर है, आपके डिवाइन पार्टनर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गॉड की तस्वीरें दिख रहे हैं या ड्रीम में दिख रहे हैं या फिर TV में आप कहीं भी दिख रहे हो, तो किसी भी प्रकार के आपको भगवान की तस्वीरें दिख रहे हैं, वीडियो दिख रहे हैं, तो समझ जाना कि अब आपका डायमेंशन रेस होने वाला है, आपके जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं वो भी बदलने वाले हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक ही दिख रहा हो तो। अदरवाइज आपको अगर गॉड की तस्वीरें दिख रही है तो समझ जाना कि अब आपने एक लेवल आगे बढ़ चुके हैं, एक लेवल आपने पार किया है, आपका डायमेंशन रेज हो चुका है या होने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये थी फेमिनाइन की एनर्जी, बहुत अच्छी थी और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी, तो वो
तो चलेगा ही, क्योंकि हर एक की जर्नी का टाइम पीरियड अलग अलग होता है, तो आगे पीछे होते रहता है, लेकिन एट दी एंड सबकी जर्नी पूरी होती है और सबका यूनियन भी हो जाता है। ये एनर्जी भगवान करे सब डीएफ के साथ मैच हो जाए और सबका यूनियन हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।